students, I hope you are all fine and enjoying good health. And I also hope that you're doing your work very well. 5 class, I'm your science teacher Saman. Today, we are going to start a new chapter for Raviyan, unit number 4, seed structure and germination. Today, Raviyan topics are introduction to maize seed with worksheet. So let's start from introduction. Most plants with flowers produce seeds. बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो जिन पे फ्लावर्स होते हैं वो सीड प्रोड्यूस करते हैं. सम फ्लावर्स डिवेलप इनटू फ्रूट्स. कुछ फ्लावर्स जो होते हैं, कुछ फूल जो होते हैं, वो फ्रूट्स में डिवेलप हो जाते हैं. फ्रूट्स कंटेन सीड्स एंड फ्लैशी पार्ट. फ्रूट्स में सीड्स होते हैं, बीज होते हैं. फ्रूट्स लाइक मैंगो हैव नो सीड. हैव वन सीड. मैंगो में एक सीड होता है, एक बीज होता है. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मैंगो में एक सीड है. अदर फ्रूट्स लाइक पपाया वाटरमेलन एप्पल ईटीसी हैव मैनी सीड. एप्रिकॉट के सीड में देखें, एप्पल सीड में भी बहुत सारे सीड्स होते हैं, वाटरमेलन सीड्स में भी बहुत सारे सीड होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट बिगेन देयर लाइफ फ्रॉम सीड. सीड हैव बेबी प्लांट. सीड एक बेबी प्लांट होता है. व्हेन सीड आर बरिड इन टू गिवन द राइट कंडीशन. जब सीड को दबाया जाता है, बीज को ज़मीन में दबाया जाता है प्रॉपर कंडीशंस के साथ, जर्मिनेटिंग कंडीशंस के साथ बीज को ज़मीन में दबाया जाता है, दे टर्न इनटू द प्लांट. वो प्लांट में तब्दील हो जाता है. ठीक है, द सीड डिफर इन साइज शेप एंड कलर बट हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स. सीड साइज में भी डिफरेंट हो सकता है, शेप में, कलर में. ठीक है, लेकिन फीचर्स जो हैं, इनकी खसूसियात जो हैं, वो कॉमन ही होती हैं. स्टूडेंट्स, ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं कि बेबी प्लांट जो है वो सीड हैव बेबी प्लांट. सीड का एक बेबी प्लांट होता है, जब उसको बरिड किया जाता है राइट कंडीशन में तो वो प्लांट बन जाता है. ठीक है, उसके बाद सीड की डिफरेंट शेप होती है, साइज होते हैं, कलर होता है. ओके, नेक्स्ट है इनसाइड अ सीड. बीज के अंदर क्या मौजूद होता है. सीड कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट. सीड के अंदर, बीज के अंदर 3 मेन पार्ट होते हैं. सीड कोट. सीड कोट उसकी ऊपर वाली सतह होती है. द आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट. आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट. इट प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम डाइंग आउट. ये सीड को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, ख़त्म हो जाने से बचाता है. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज सीड कोट, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. कॉटिलेडन. कॉटिलेडन इज अ पार्ट ऑफ अ एम्ब्रियो. कॉटिलेडन एम्ब्रियो का पार्ट होता है. विद इन अ सीड ऑफ अ प्लांट. सीड प्लांट के सीड में है. एम्ब्रियो इज अ टाइनी बेबी प्लांट. व्हाट इज एम्ब्रियो. एम्ब्रियो इज अ टाइनी बेबी प्लांट. इट कॉन्टेन्स अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीड लीफ. इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको सीड लीफ कहते हैं और कॉटिलेडन कहते हैं. व्हेन द सीड जर्मिनेट. जब सीड बढ़ना शुरू होता है, जर्मिनेट होना शुरू होता है और बिगेन टू ग्रो, द कॉटिलेडन बिकम द फर्स्ट लीफ ऑफ द सीडलिंग. तो क्या होता है, कॉटिलेडन जो होता है वो उस पहला पत्ता होता है सीडलिंग का. ठीक है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द कॉटिलेडन ड्यूरिंग जर्मिनेशन. कॉटिलेडन में फोटोसिंथेसिस मौजूद होती है जब जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. नेक्स्ट है द कॉटिलेडन आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉयल. कॉटिलेडन प्लांट का पहला हिस्सा होता है जो ज़मीन से बाहर को उभरता है. सम कॉटिलेडन लास्ट ओनली अ फ्यू डेज आफ्टर कमिंग फ्रॉम द सॉयल. कुछ कॉटिलेडन जो होते हैं वो कुछ ही देर मौजूद रहते हैं ज़मीन से बाहर आने के बाद. एंड सम कॉटिलेडन कैन लास्ट ऑफ ईयर फॉर ईयर. और कुछ जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो कुछ साल जो हैं वो मौजूद रहते हैं ज़मीन से बाहर आने के बाद भी. नेक्स्ट है द सीड्स विच हैव वन कॉटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकोट. व्हाट इज मोनोकोट. द सीड विच हैव ओनली वन कॉटिलेडन कॉल्ड मोनोकोट. वाइल सीड विद टू कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकोट. व्हाट इज डाइकोट. सीड्स विद टू कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकोट. ओके, नेक्स्ट इज एंडोस्पर्म. इट इज़ अ फूड स्टोर सराउंडिंग द एम्ब्रियो. ये फूड स्टोर करता है एम्ब्रियो के इर्द गिर्द. दिस स्टोर्स फूड कैन हेल्प द बेबी प्लांट टू ग्रो. ये जो महफूज शुदा खाना होता है, खुराक होता है, वो बेबी प्लांट को, छोटे से प्लांट को बढ़ने में, ग्रो करने में हेल्प करता है. ठीक है, उसके बाद भी आपको एक सीड दिखाया गया है कि सीड कोट
कहाँ पे होता है एंडोस्पर्म, कॉटिलेडन और एम्ब्रियो किधर किधर होता है. सीड कोट, ये जो ऊपर वाली तय है ना, ये सीड कोट होती है. सीड कोट प्रोटेक्ट एवरीथिंग इनसाइड द सीड सो डैट इट हैज़ अ गुड चांस ऑफ जर्मिनेटिंग. सीड कोट जो है वो ऊपर वाले हिस्से को प्रोटेक्ट करता है, तमाम जो सीड है उसको प्रोटेक्ट करता है. द सीड कोट इज आल्सो कॉल्ड अ टेस्टा. सीड कोट को बेटा टेस्टा भी कहते हैं. अगर आपसे कुछ कोई पूछ ले कि सीड कोट को क्या कहा जाता है, तो सीड कोट को टेस्टा भी कहा जाता है. सम सीड हैव थिन सीड कोट वाइल अदर हैव हार्ड वन. कुछ के सीड जो हैं वो थिन होते हैं, बारीक होते हैं, बारीक सीड कोट होती है, लेकिन कुछ की जो है वो हार्ड आउटर कवरिंग होती है. फ्रूट प्लांट्स ऑफन हैव वेरी हार्ड सीड कोट. फ्रूट प्लांट्स जो होते हैं, जिन जो प्लांट्स फ्रूट ग्रो करते हैं, उनकी सीड कोट जो है वो हार्ड होता है. ठीक है, उसके बाद ये है एंडोस्पर्म. इज़ द टिश्यू डैट्स अराउंड द एम्ब्रियो एंड प्रोवाइड इट विद न्यूट्रिशन. एंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्लांट को. नेक्स्ट है कॉटिलेडन. कॉटिलेडन इज अ सीड लीफ डैट इमर्ज फ्रॉम द सीड व्हेन इट जर्मिनेट. वो सीड में इमर्ज होता है, मर्ज होता है कॉटिलेडन जब सीड ग्रो करता है. नेक्स्ट है एम्ब्रियो. द एम्ब्रियो इज वेयर लाइफ स्टार्ट विद इन द सीड. एम्ब्रियो वो जगह होती है जहाँ सीड बढ़ना शुरू होता है, उसकी लाइफ स्टार्ट होती है बीज की. ओके, नेक्स्ट है अ बीन सीड. द बीन सीड इज द शेप लाइक किडनी. बीन्स सीड की शेप कैसी होती है, किडनी की तरह. इट हैज थिन बट टफ टेस्टा विच इज कलर्ड. इसका थिन बारीक लेकिन टफ टेस्टा होता है. टेस्टा क्या है, सीड कोट को कहते हैं, विच इज कलर्ड, जो कलर्ड होता है. अ बीन सीड इज कॉल्ड डाइकोटिलेडनस सीड बिकॉज इट हैज टू कॉटिलेडन. बीन सीड को डाइकोटिलेडनस कहते हैं क्योंकि इसमें टू कॉटिलेडन होते हैं. ओके, विच स्टोर फूड फॉर द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो के लिए फूड को स्टोर करते हैं. एंटिल इट ग्रो लार्ज इनफ टू मेक इट्स ओन फूड, और वो उसके लिए खुराक तैयार करते हैं जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता. द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. एम्ब्रियो के टू पार्ट्स होते हैं, द रेडिकल फर्स्ट रूट एंड द प्लूमूल आर द फर्स्ट शूट. ठीक है, तो ये हमारे पास इस बीन सीड की डायग्राम, जिसमें ये सीड कोट है, ये एम्ब्रियो है और ये टू कॉटिलेडन है. नेक्स्ट है अमाइसीड. अमाइसीड इज समवट ओवल एंड फ्लैट इन शेप. ये फ्लैट होता है, ओवल शेप में होता है. द आउटर मोस्ट कवरिंग विच इनक्लोजेस द एंटायर ग्रेन इज मेड अप ऑफ फ्यूज्ड फ्रूट वॉल टेस्टा. ये फ्यूज्ड फ्रूट वॉल जो है टेस्टा से बनी हुई होती है. इसकी भी वो वॉल जो है टेस्टा होती है. द फ्लैट सरफेस एट द नैरो एंड हैज अ ट्रायंगल रीजन. और इसका जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, तंग होता है, नैरो होता है, नैरो एंड होता है इसका, ट्रायंगल रीजन होता है, ट्रायंगल शेप में थोड़ा सा होता है नीचे से, विच इज़ द एम्ब्रियो, जिसको एम्ब्रियो कहते हैं. द ब्रॉड येलोश रीजन इज कॉल्ड द एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म किसको कहते हैं, जो ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, उसको एंडोस्पर्म कहते हैं. द एंडोस्पर्म कंटेन प्रोटीन ग्रेन्यूल स्टार्च एंड सम ऑयल. एंडोस्पर्म क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है, प्रोटीन ग्रेन्यूल स्टार्च एंड सम ऑयल. द एम्ब्रियो लोकेटेड बीनीथ द एंडोस्पर्म इज इनक्लोज्ड इन अ शील्ड शेप्ड सिंगल कॉटिलेडन. ये शील्ड शेप्ड सिंगल कॉटिलेडन में मौजूद होता है. विच इज़ वाई द माइस ग्रेन इज कॉल्ड द मोनोकोटिलेडनस. इसीलिए माइस ग्रेन को मोनोकोटिलेडनस कहते हैं. ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास कुछ टर्म्स हैं. हमने कोटिलेडन्स को डिफाइन करना है, एंडोस्पर्म, और उसके बाद हमने जर्मिनेशन को डिफाइन करना है, उसके बाद एम्ब्रियो और सीड को. फर्स्ट है कोटिलेडन है हमारे पास. कॉटिलेडन्स आर अ पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विद इन सीड दैट फॉर्म द फर्स्ट लीव व्हेन द प्लांट जर्मिनेट. ठीक है, नेक्स्ट है एंडोस्पर्म. द पार्ट ऑफ द प्लांट सीड दैट प्रोवाइड फूड फॉर द एम्ब्रियो कॉल्ड एंडोस्पर्म. ये हमने सारा अपने पीछे टॉपिक में डिस्कस किया. ये कुछ टर्म्स हैं जिनको डिफाइन किया गया है. ठीक है, नेक्स्ट है जर्मिनेशन. व्हाट इज जर्मिनेशन, द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. नेक्स्ट है एम्ब्रियो. अ यंग प्लांट इन द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिफोर कमिंग आउट ऑफ इट्स सीड. एक यंग प्लांट होता है एम्ब्रियो.
Seed coat, the outer covering of seed is called seed coat. Seed coat is also called testa. ठीक है, ये आपने याद रखना है. उसके बाद है हमारे पास एक वर्कशीट जो इसके रिलेटेड है. लेबल द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन एंड राइट अबाउट इट. हमने स्टेजेस को लेबल करना है और इनके अबाउट राइट करना है. ये फर्स्ट स्टेज जहाँ से स्टार्ट होती है उसमें डिफाइन किया गया है द रेडिकल यंग रूट इमर्ज फर्स्ट, यानी कि यंग रूट को पहले इमर्ज किया जाएगा. सेकंड कंडीशन कौन सी है, द प्लूमोल यंग शूट इमर्ज फर्स्ट, उसके बाद प्लूमोल को इमर्ज किया जाएगा. थर्ड कंडीशन है द प्लूमोल ग्रो फर्स्ट अपवर्ड, प्लूमोल क्या करेगा ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू करेगा. ठीक है, उसके बाद फोर्थ कंडीशन कौन सी है, द प्लूमोल इमर्ज अबव ग्राउंड लेटरल रूट ग्रो लॉन्गर, उसके बाद प्लूमोल जो है वो इमर्ज होगा ग्राउंड में और ग्रो करना शुरू करेंगी उसकी जड़ें. नेक्स्ट है फिफ्थ जो है हमारे पास स्टेज, उसमें है फर्स्ट प्रॉपर लीव ओपन, पहले प्रॉपर लीव ओपन होगा. उसके बाद है द प्लूमोल स्ट्रेटन्स एंड होल्ड लीव्ड अपवर्ड, प्लूमोल जो है वो स्ट्रेट ग्रो करेगा और लीव्स जो है पत्ते जो हैं वो भी ऊपर की तरफ ही होंगे. उसके बाद है श्रिव्ड टेस्टा, टेस्टा जो है उसका आउटर सीड कोट जो है उसका श्रिव्ड होगा. ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट सॉल्व होगी बेटा, आपने इसको अपने वर्कशीट पैक पे सॉल्व कर लेना है. ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा. मुझे आगे बढ़ना है.